मैं सत्य और निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि अपने जान की परवाह न करते हुए ईमानदारी पूर्वक अपने मालिक की जान और माल की रक्षा करूंगा। भारत माता की जय। ये हरे फोन करत बा। हेलो हेलो हम निरहू बोला तानी का रे तोहरा के मुंबई भागे के निशा हो गई बा। अरे तो जब जानते बाड़ा तो पूछत का बड़ माई के फोन दा का कारे निकम्मा। हे माई निकम्मा ना। अरे हमार नौकरी लग गई सर्विस मिलल रे। और पता बा दरेज वाला 5,000 रुपया तो तनखा। 5,000। हेलो कट गई जी हमार बेटा 5,000 की नौकरी करता। 5,000 की 5,000 की नौकरी 5,000 यहाँ सिर्फ काम पे ध्यान देने का। हाँ। जो मैं बोलेगा ना वो करने का। ना सुनना नहीं मांगता मेरे को बुझा। हाँ बुझा। हाँ ओके वाली मेरे अरु के फोन आ गई बा। हाँ। उसे खातिर कि हम मुंबई सही से पहुँच गई बानी कि ना। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो डार्लिंग आई लव यू। इंतजार करत रह। ओए मुंह क्या देख रहा है बोल दे। अबे दे। अरे अंकल बोल तो दो। अंग्रेजी हमरा पता रहे फिर अंग्रेजी में कचर पचर हुई। यही से बार हम जेट से आगे की पढ़ाई को क्या आयल बनी। ए से आपका बोल बी से बहुत बढ़िया। पुलिस हे भगवान फिर फांसी पे चढ़ी के पड़ी। भी बैग भी घुमा देव माउंट मेरी भी दिखा देव। और हाँ एलिफेंटा गुफा भी दिखा देव माँ लक्ष्मी मंदिर भी दिखा देव और लास्ट में चलल जाई जुहू चौपाटी पे ओजा सब लोग मिलके ना किसी किसी खेले ला एगो ईजा से किसी भेजे ना जल्दी से मजा आ जाई। प्राइवेट बात ध्यान से नहीं सुनने का कान में ठेपा लगा लेने का। चलो सब सुन लिया। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग पापा। अरे हा? आज फिर से चीटिंग। आज तो आप मुझे कॉलेज छोड़ने वाले थे ना। ओ आई एम सॉरी बेटा। वो क्या ना यूके से कुछ बिजनेसमैन आने वाले हैं उनके साथ एक अर्जेंट मीटिंग है इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। जाओ मैं आपसे बात नहीं करती। मेरी अच्छी बेटी। गंदे पापा। मेरी प्यारी बेटी। झूठे पापा। मेरी सुंदर बेटी। टकले पापा। हाँ? दिलवा ले गईलू रानी बोतल में भर के कहाँ चल गईलू हमके दीवाना करके। देसी का दिलवा ले गईलू रानी बोतल में भर के। मैडम जी आओ तरी जल्दी से गेट खोलो सलूट करो और गेट खोल के जल्दी से सलूट तान दो। देसी का। अरे बाप रे हम तो अपना मन जोगे रानी के निगरानी में लागल बानी। इडियट नॉनसेंस तुम यहाँ तक आ गए तुम्हें यहाँ रखा कौन। गुड मॉर्निंग मैडम जी क्या हुआ। इस बदतमीज को अभी के अभी यहाँ से निकालो राइट नाउ। लेकिन मैडम जी इसने किया क्या है। इसने मेरे साथ बदतमीजी की और सबके सामने मेरी इंसल्ट की।
ना 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 वो हमार कौन हम सकल रहल होई। ए, ये नया क्या पैतराबाजी सिखा रहे हो, साफ साफ खुल के बताओ। मुन्नू सर तू हमारा पे भरोसा नहीं कर अब गांव से लेके यहाँ तक तो हर पोंछ पकड़ के आईली मर्दे एक सेकंड खातिर तो से दूर ना भईली और तू अबार भरोसा नहीं का करत। हाँ मैडम जी ये एकदम सही कह रहा है, ये गांव से तो हमरा संगे संगे इधर आया है, एक को मिनट एनएस ओने गया नहीं, एकदम सही कह रहा है नौकरी कसम। तुम झूठ बोल रहे हो ना? ना माई की कसम खाला भरोसा नहीं को माई की माई कसम ये बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ भाई भरोसा माई की कसम क्यों झूठा खा सके लगा? Shut up! अरे सोने के कहतारी चुप रहे खातिर कहतारी। सॉरी मैडम जी। जय हिंद। एक शक्ल के दो आदमी। जय भारत। बाय बाय। सही पूछ तारा का ये तो बाड़ी अमर बन जोग रानी आदमी बारे की पजामा तारा मालूम बाकी तू का कहता रे। अब तो नहीं हमारा से तमीजों में बतियो हो। अच्छा काहे की अब बंगला के होखे वाला हम मालिक हो बेटा। ई बेटा केकरा कहले हो? अच्छा छोड़ा चल मोबाइल द उ काहे खातिर। ए मरदा मोबाइल द रुक 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 का करबे मोबाइल लेके। माई के बतावे के पड़ी नो कि ओकर पतो हो मिल गइल बैलेंस बहुत कम बा आ कोनो बात ना हम चला ले। हेलो हां बाऊजी पा लगी तनी माई के फोन दा हमनी रहू बोलत हई। हेलो कौन बोलत आ रहे जागरू? अरे जागरू ना निरहू बोलत हई माई के फोन दा बैलेंस बा खत्म हो जाई। बांग्लादेश अरे बांग्लादेश ना बैलेंस बा खत्म हो जाई माइक फोन दा भाई के अरे गाई के ना हो माइक के फोन दा कहां से बोला तारा रे? अरे मुंह से बोला था नहीं और कहां से बोला? अरे ट्रैक्टर वा चलाता ना यही से सुनात नहीं थे हले देखा के बा। हेलो माइक। हेलो ए बाबू अरे सुनात नहीं के बाबू टावर में आवा टावर में ए टावर नहीं के पकड़ा एक मिनट टावर पकड़ा होता। हां अरे मैया की मैया हमार फोन। अरे बा हाँ भाई अब सुना था माई रे मिल गई लड़की हसीन कैसे बताई हम बिया कम सीन। अच्छा माई रे मिल गई लड़की हसीन कैसे बताई हम बिया कम सीन लागल मोहब्बत के आगे अब पूछो बुला से ना पूछा ना। अरे फोटो भेजा पतो के हो देखी जूझता गरीबी से बिहार तुम्हारा प्यार समझाता जूझता गरीबी से बिहार तुम्हारा प्यार समझाता। सुनर पाके पतोहिया तर जई बीरे माई सांधी के लोजे नरम नरम हाथ से दहिया दबाई। हम पुनरु बतानी ना रे चाची ना बड़ा बाटे चक्कर में एकर न पड़ी हो झूठे के खाली देखा त सपना बाटे न कवनु मनी हो। उनकर मीठी मीठी बोली हर दम जूझता गरीबी से बिहार तुम्हारा प्यार सुझाता। गलिया तो हर से नुरिया बाते चंचल सोख जवानी बाड़ा तप से पवन है पानी अपना मन जोगर रानी।
अरे बाबू बर्बाद कर दे बतू तोहरा छोकरी के चक्कर में लागता जाई नौकरी गावे गावे सांझ सवेरे ढोवे के पानी टोकरी कि दिलवा चाहत के पतू की में लब के भूंजा भूंजा दा अरे संकल करो भाई जूझता गरीबी से बिहार तुम्हारा प्यार सुझाता ए जूझता गरीबी से बिहार तुम्हारा प्यार सुझाता हे हाय कैसा है भाई। अब तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हो। एक मिनट मैं तुम्हारा गुस्सा अभी ठंडा करता हूँ। ओ जूस वाले भैया हाँ साहब फटाफट सबके लिए जूस बनाओ फटाफट जी सर। ओके सब लोग अपने अपने चेयर पे बैठ जाते हैं। ओके बेबी प्लीज सिट कम ऑन गाइस। काजिला हाँ बोला जवारी केला कैसे बा 40 रुपया दो 10 रुपया के ठीक बा ला तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक चिल्ले। ओ जूस वाले भैया क्या हुआ। हाँ हाँ हो रहा है साहब हे बरम बाबा आज करा के ऐसा गिर गया कि जिंदगी भर बिछोना ना छोड़ पावे। क्या भाई हो रहा है ऐसा करना जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। करी तो रहा है साहब। रॉकी सुनो अच्छा मेरे में ना काला नमक डलवाना। ओके बेबी ओके भैया और सुनो मेरे में बर्फी का भैया ठीक है सब डाल देता हूँ साहब। डोंट वरी अब देखता हूँ ये बेवकूफ कुमार यहाँ से बच के कैसे जाता है। ए बिलायती बानर हम इनका पे ना ये हमारा पे गिर लिया और गलती से चुम्मा ले ले लिया तो हमारा गांव में कोनो काम 11 हाली कोई जाला तब सु बोला अभी 8 चुम्मा लेनी हो तल बिचवा में आगी ला कोनो बात ना अभी 3 चुम्मा और ले और तोरा अंदर दम बानू तो रोक के दिखावा इंडी रहुआ हिंदुस्तानी के चैलेंज बा। अच्छा तो ये बात है तो मैं भी देखता हूँ तू मेरी गर्लफ्रेंड का कैसे चुम्मा लेता है। योर चैलेंज एक्सेप्टेड पक्का ना। हाँ बे पक्का। अरे रोकी क्या कर रहे हो। अरे डोंट वरी डार्लिंग मैं हूँ ना डार्लिंग थोड़ा पीछे तीन गो चुम्मा के बाटे सवाल तू काहे बवाल करेला। अभी तो दू गो और बाकी बा Oh my God! Kiran!
वो स्टूपिड द्वार कहाँ गया? ओहो, लगता है मेरे डर से भाग गया। अरे बेवकूफ, उससे मैंने दूसरा चुमा भी लिया। डोंट वरी डार्लिंग, अब वो तुम्हारा तीसरा चुमा कभी नहीं ले पाएगा। ओके, लेट्स एंजॉय स्क्वाइट कार। पप्पी के तो है, छोड़ना नहीं साबित रहा देखो तो। तेरे को मैंने क्या किया था? चल, हम राव सुगर बिगाड़ नहीं। क्या? हाँ, चल, हम क्या बचा ले? इंस्पेक्टर, चल, इस देहाती गवार को छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं तो। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना। गवार देहाती। किरण, किरण, किरण। कांता भाई, जल्दी करो, लेट हो रहा है। वही साहब, जाले बगा। हाँ सुनिए बेटा, बोलो। किरण बेहोश हो गई। व्हाट? किरण बेहोश हो गई? कैसे? कहाँ है वो? डॉक्टर अंकल, किरण कैसी है आप? डॉक्टर, कुछ पता चला क्या? बेटी, जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं कह सकता। अरे ये सब क्या हो रहा है? और मुझे स्ट्रेचर पे कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग? बेटा बेटा सुनो बेटा, तुम्हें एडमिट होना है बेटा, जस्ट टेक रेस्ट, तुम्हें आराम की जरूरत है। किरण अंकल, आराम की जरूरत मुझे नहीं आपको है, जस्ट मुझे उतारो। किरण, पापा। किरण बेटे, क्या हो गया तुम्हें? ए मकवाना, क्या हो गया मेरी बेटी को? ए खन्ना अंकल, एक मिनट, नथिंग पापा, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसीलिए चक्कर आ गया। नाउ आई एम क्वाइट वेल एंड कहिए तो डांस करके दिखाऊं? देखो अब चले। बाय अंकल। बाय। डरा दिया था तुमने मुझे। पापा, आपको सुनो, सोनिया ने कहा होगा। अपनी केयर करो बेटा, You are not child now. But why, Papa? I am fit and fine. और मुझे खा खा के भैंस नहीं बनना। मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। कांता भाई। वही सर, बोला। मैं एक महीने के लिए आइसलैंड जा रहा हूँ। वहाँ फोन लगे ना लगे, डॉक्टर ने किरण को आराम करने के लिए कहा है और इस एक महीने में किरण को घर से बाहर नहीं जाने देना है, समझी? और एक बात, इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें का आए भी चिंता कर रखा सर, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी मैम सबका। बाय बेटा। बाय पापा। टेक केयर। यू टू। Bye uncle. Bye, 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 uncle. Bye papa. Bye. Bye. Take care and happy journey. Bye bye bye. Bye. Sab, sab, sab. Hara kundu sir. हमके बता रहे, तू हमके छोड़वा ले बा। तू थोड़ा देर चुप रह सकेले? बात कर रहल बानी ना। सब, गांव से नया नया आया है ना सब, यही से गलती कर दिया। सब, छोड़ दीजिए ना इसको सब, सीधा आदमी है सब। सीधा आदमी? हाँ सब। करो संग दोस्त। हाँ सब। बाप रे, पार्क में जाके लड़कियों को छेड़ता ही है। हाँ। और तू इसे सीधा साधा बता रहा है? अच्छा है बगे। हाँ। जास्त रोके जाऊ को सा। हाँ। वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। नहीं साहब, चल निकल यहाँ से। सर, न्यूज़ला 100 करोड़ चोरी की सीसीटीवी फुटेज दाखवता है। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज तक की सबसे बड़ी रॉबरी अंधेरी वेस्ट के ICICI बैंक के चेस्ट ब्रांच में हुई थी, जिसे कि आप सीसीटीवी के फुटेज में देख रहे हैं। पहले तो मैं अपने दर्शकों को चेस्ट ब्रांच के बारे में बता दूं। ये वो ब्रांच है जहां पे अंधेरी वेस्ट जोन का ICICI बैंक का सारा पैसा रखा जाता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि इतनी बड़ी सुरंग बनने की किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। पुलिस इन अज्ञात लुटेरों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मार रही है और ये पूरा मामला CID तक पहुँच चुका है। हमरा पता भाई, चोरी के कोई लेबा। रे, इका बकवास करता रे। कुन्नू सर, हम बकवास नहीं करत। हमरा पता बा कि पैसा के चोरैले बा और कहां धैले बा। हमरा कपार पे 7.5 चढ़ल रहे जे तेरा के हम गांव से लाके मुंबई में नौकरी दिलवा देनी। अरे तेरा चक्कर में हमरा अब नू तो नौकरी तो जेबे करी, फांसियों पे चढ़ा दिए ये लोग। अरे यार, बोल देना इनका के कि तू झूठ बोलता रे। काहे बोली झूठ? हम कोनो पाकिस्तानी है का? पाकिस्तानी? मर, अकेले अकेले मर, फांसी पे चढ़।
जय राम जी की, प्रणाम। हो साहब ये पगलवा को ना फांसी पे चढ़ा दीजिए, फांसी पे, हम जा रहे हैं। मर अकेले अकेले छत्ता पे चड्डी सूखने के लिए डाले थे, उतार लीजिएगा ना तो कोनो चोरा लेगा। बोल रहे, तुझे 100 करोड़ के रॉबरी के बारे में क्या पता है? हम ना बताई। बोल, कोनो कीमत पे ना बताई। सर, हा मामला सीआईडी वाल्यांचा आहे, आपला हस्तक्षेप करणं ठीक नाही। सर, मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने नहीं छेड़ा साहब। सर, कहाँ है वो? लॉकअप में है, आइए। ये रहा। ए, तू क्या जानता है उस 100 करोड़ के बक्से के बारे में? बक्सा वो तो हम बता दे, लेकिन हमारे को शर्त बा। तू हमारे सामने शर्त रखेगा? ए, नॉट नाउ। सॉरी सर। ए, सीधे सीधे बता, चार चोर कौन है? काय मर ले, हम ना बताई। नहीं बताएगा? ना बताई। नहीं बताएगा? तेरा तो बाप भी बताएगा। ए, उठ ही मिंदो टॉर्चर रूम। टॉर्च 12 लोग चाहे मोमबत्ती, जोले हमार शरत ना मन बलोग तोले ना बताई। ये जाओ बदराग बने। दुर्गा माई। बोल, 100 करोड़ की रॉबरी के बारे में क्या जानता है? बता। लव लाइव। मारो। सर, उस लड़के ने 100 करोड़ की रॉबरी के बारे में कुछ बताया? नॉट नो। सर, उसने लुटेरे के बारे में कोई जानकारी दी? अभी नहीं। सर, अभी तक उनका मुंह क्यों नहीं खुलवा पाए? पता नहीं किस मिट्टी का बना है वो, टूटने का नाम ही नहीं लेता है, बट हमें भी उसे तोड़ने के बहुत से तरीके आते हैं। That's enough. Thank you. Sir, एक सवाल, sir. Side please. Side please. Sir, हटिए. Sir, please, sir. Sir, एक सवाल, sir. नेहा, जैसा कि आपने सुना है, CID अधिकारी के लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस लड़के ने 100 करोड़ की रॉबरी के बारे में अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। रूबी, उस लड़के के बारे में पता चला कि आखिर वो है कौन? नेहा, पुलिस सूत्रों से पता चला है कि उस लड़के का नाम नीरव कुमार यादव है, जो गांव टडवा टप्पा सॉरी जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और यहां अपने दोस्त के साथ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। नीरव कुमार यादव कौन है रे? या हलकटाला माहित कसं पडलं रे की 100 करोड़ आपण लोकांनी उडवलेत? ए भाऊ, अगर नीरव को सब कुछ पता ही छे तो पुलिस को क्यों नहीं बता रहा है भाई? खूब शाना है भाई, अपन लोगों से सौदा करना चाहता है। अपन को इस हालत से बचने का है ना, तो उस लौंडे को पुलिस कचड़ी से उड़ाना पड़ेगा। बरोबर। बरोबर। ओ नो नो, इट्स अ मैटर ऑफ अवर कंपनीज रिपुटेशन। कुछ भी करना पड़े, कोई भी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़े, कोई सौदा करना पड़े, हमें 100 करोड़ को रिकवर करना जरूरी है, अदरवाइज हमारी कंपनी को, बैंक को इतने बड़े अमाउंट का भुगतान करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। किसी भी तरीके से उस नेहू कुमार यादव को मोल्ड करो। ओके सर। चल बोलो कर। कितना बार कहे कि ना बताए, इतना बताए। इंटरनेशनल इन्शुरन्स कंपनीतून काही लोक आले, त्यांना तुम्हाला भेटायचे। इन्शुरन्स वाले? हाय सर। हेलो, वी आर फ्रॉम इंटरनेशनल इन्शुरन्स कंपनी। ओके सर, हमारी कंपनी ने उस बैंक का इंश्योरेंस किया था जिसमें 100 करोड़ की चोरी हुई। अच्छा, तो सर उस आदमी ने कुछ बताया? अभी तक नहीं, लेकिन बताएगा जरूर। प्लीज सर, इफ यू डोंट माइंड, हम लोग ट्राई करें। आपको क्या लगता है हमें झक मारे बैठे? सर एक्चुअली यू शट अप। ये आई राजू गुलवाने। गुन्हेगारांकडून गुन्हा कबूल करून घेणं म्हणजे काय पॉलिसी काढायचं काम नाहीये। चार पेपर पर साइन किए, चेक लिए और काम खत्म। सॉरी सर, सर आपको हर्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं था। प्लीज सर, वन चांस। अपना मतलब तुझसे राज उगलवाने से है ना? सर प्लीज सर। सर हमारे पास 16वीं विद्या है जिससे वो सारे राज उगल सकता है। 16वीं विद्या? ओए,
देख तुझसे कोई मिलने आया है। अच्छा खुद से ना उगलवा पौला लोग तो ये लोग के बुला लेला। कितना बार कहीं कि हम ना बताई तो ना बताई, चाहे तू लोग आग पे चलावा चाहे बर्फ पे सुतावा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा तो तू लोग का करे वाला बड़ा? इनसे मिलिए, ये मिस्टर पवार नमस्कार, ये मिस परिणीता नमस्कार, ये हमारे सुरेंद्र पांडे जी हेलो, और मैं, मेरा नाम मुखर्जी। तू लोग तो ऐसे परिचय करावा तारा जैसे लागत अमर ब्याह करावे आयल बड़ा लोग। समझ लीजिए कि ऐसा ही है। अच्छा बस एक बार वो 100 करोड़ के बक्सी के बारे में बता दो। ना 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 ना, पहले हमार शादी फिर बक्सा के आजादी। ये चलेगी? हम इनसे उनसे शादी ना करब। फिर किससे? हमार शादी तो हमार मनजोग रानी से हुई। मनजोगे रानी? अरे सर मतलब सपनों की रानी। अरे बाबा हमें भी तो बता दो आपकी सपनों की रानी है कौन? किरण खन्ना। नो नो नो, तुम्हारे 100 करोड़ की और तुम्हारी कंपनी की ऐसी की तैसी। तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उस गवार से शादी करूंगी? निकल जाओ वरना तुम्हारे सबके सर फोड़ दूंगी। आउट। मैडम सुने ना प्लीज, गेट आउट। जादू है तू, जादू पराती था अलग तबागा तू भी, जादू मारन तू माला काय का टावले, तू ना कहता भोजपुरी सागो कहीं में। सर जल्दी दो ना सर। ओ नहीं बाबा, आती हुई लक्ष्मी को नानी करते। मैडम को पटा दीजिए ना। मैडम ला पटवायचा असल तो रॉकी बाबा को पकड़ना पड़ेगा। रॉकी बाबा? किरण डार्लिंग। हाय रॉकी। मैं तुम्हारे लिए एक मस्त प्लान लेके आया हूँ। ओह हॉलिडे प्लान? ओह नो डार्लिंग, एक दिन में 1 करोड़ कमाने का प्लान है। ओह रियली, क्या प्लान है? शादी का मैडम जी। फिर से आ गए तुम लोग इधर? चले जाओ यहाँ से। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज। हाँ मैडम जी। डार्लिंग प्लीज रिलैक्स, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। तुम मुझे कूल डाउन बोल रहे हो? हाँ तुम। मैडम गेट आउट, मैं कुछ भी नहीं करने वाली, समझे तुम लोग? सबके सब यहाँ से निकलो। किरण रॉकी बाबा, रॉकी बाबा प्लीज, रॉकी बाबा किरण, किरण प्लीज प्लीज लिसन टू मी। नो, तुम मुझे इस गवार बदतमीज से शादी करने के लिए बोल रहे हो? तुम, आई डोंट बिलीव दिस। किरण किरण प्लीज। अरे शादी नहीं यार, फिल्मी ड्रामा। फिल्मी? यस बेबी, जैसे फिल्मों में हीरोइन फेरा लेती हैं, सिंदूर लगाती हैं, शादी हो गई और सीन ओवर, और सब लोग अपने अपने पैसे लेके अपने अपने घर। मैडम जी बस आपको सिर्फ इतना ही करना है और इसके अच्छा? बदले हम आपको 1 करोड़ देंगे। 1 करोड़? 1 करोड़! Oh my God! Darling, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? 1 करोड़ दे रहे हैं, 100 lakhs, और बदले में करना क्या है? शादी का एक छोटा सा ड्रामा मैडम, प्लीज। हाँ डार्लिंग, एक छोटा सा ड्रामा, और उस ड्रामे से अनपढ़ जाहिल कमार तेहाती से हमेशा के लिए छुटकारा। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। ये रिस्क नहीं मैडम, ये ड्रामा फिक्स है। बस एक बार ये ड्रामे वाली शादी हुई और जैसे ही उसने 100 करोड़ का राज बताया, फिर तो हम उसे रॉबरी के जाल में ऐसा फंसाएंगे कि बाहर की दुनिया उसे देखना। डन। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरी विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सूर्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब विवाह संपन्न हो गया, आज से आप लोग पति पत्नी हो गए। एक करे जा कहाँ जात बाड़ू करे जा निकाल के। सर हमने आपकी शादी आपकी मंजू की रानी से करा दी, अब तो 100 करोड़ के बक्से के बारे में बताइए। अभी तो खाली 7 फेरा भइल बा, 8वां फेरा तो अभी बाकी बा। 8वां फेरा मतलब सुहागरात। अरे यार क्यों सर पकड़ लिए, आप तो 16वीं विद्या में माहिर है ना, मनवाइए सुहागरात। हाँ मनवाइए। I will kill you, bloody idiot nonsense! Please, madam, कान के नीचे बचाऊंगी अगर मेरे पीछे आए तो। No, सुहागरात अब क्या करें? 2 करोड़। No. 3 crore. No, not any cost. 5 crore. 5 crore. नहीं, वेरी बैड, नो सुहागरात। अरे सर सच्ची मुच्ची का नहीं, नाटक नाटक यो, नाटक चलेगा। किरण 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 प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? नो रियल सुहागरात, इट्स अ नाटक नाटक। सुहागरात कभी कोई नाटक होता है क्या? तुमको अगर इतनी कुछ लेते तुम जाके मनाओ ना सुहागरात इडियट। डार्लिंग डार्लिंग प्लीज प्लीज मेरी बात तो समझो, सुहागरात के बाद 5 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़ प्लीज मान जाओ ना डार्लिंग। यस मैम, 5 करोड़। आर यू रेडी? हम आपको प्रॉमिस करते हैं वो सब कुछ नहीं होगा। मैम मान जाइए ना, नाटक ही तो हाँ, करना है। सर सर प्लीज आप भी कुछ बोलिए ना सर। यस मैम, हम उसे आपको टच भी नहीं करने देंगे। हाउ कैन यू से दैट? बिकॉज वी हैव अ प्लान। ओके डन। यस यस। अरे सर मुबारक हो, मैडम सुहागरात के लिए रेडी है। का मैडम तैयार बाड़ी? अरे मुबारक हो सर, अरे सिपाही जी थाना खाली करवावा। और हाँ फोन करके बता दे हमारे गांव जिला नगरी में कि निरहुआ के सुहागरात होता थाना के कोठरी में। आप हमारे लिए तो वीआईपी आदमी है, वीआईपी सुहागरात तो वीआईपी जगह ही होगी ना। मतलब 5 स्टार होटल में। निरहुआ के सुहागरात 5 स्टार होटल में? सर आपने कभी सोचा था कि आपकी सुहागरात 5 स्टार होटल में होगी? आपको कैसा लग रहा है कि आपकी सुहागरात 5 स्टार होटल में मनाई जा रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है, और ज्यादा जानकारी चाहिए तो पहले सुहागरात मना लेते हैं। ए हबक रे हाथ से तो।
कबाब, शराब, शबाब। आरे रेडी बाड़ू हमारा पे होखे के निछावर, आरे वेट कर तारू बिछा के फलावर, हर वन टेक होके होखी कह खाली एक्शन, पहिलो तो बॉडी में लव के रिएक्शन, खुलल बा भाग आज मिलल बचन, अब शुरू होके जा रहल बा देसी रोमांस। चपकौआ कंट्रोल नहीं हो रहा है, चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के, चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के, छोड़ी ना टावर के खपावर में आके गारंटी बा, छोड़ी ना टावर हो पावर में आके, चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के, चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के। अभी मूड बना है ताजा, जरा वेट करो ओ राजा, अभी मूड बना है ताजा, खोलूंगी धीरे धीरे मैं हुस्न का दरवाजा, खोलूंगी धीरे धीरे हुस्न का दरवाजा। माने मनवले ना जोश मारे चंप हो, माने मनवले ना जोश मारे चंप हो, छौके जवानिया मचावे हड़कंप हो, छौके जवानिया मचावे हड़कंप हो, देह गंगा नवलू तू देहिया छुआ के, अरे बाप रे, देह गंगा नवलू तू देहिया छुआ के, चुम्मा चपकौआ चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के, चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी हटा के। अपने पास है फुल नाइट, न दिल का पेशेंस खोने दो, अभी अभी तो अभी अभी तो मिले हैं हम, थोड़ी आर ट्यूनिंग होने दो, होने दो, होने दो, कंफ्यूजन लगा जज हमार बम के, मिलल बा लाइसेंस फायरिंग करे द तू जम के तनी आनो आनो आनो। ओ नोटी नोटी बालम है दिल में तेरा वेलकम, ओ नोटी नोटी बालम है दिल में तेरा वेलकम, जमेगी अपनी जोड़ी मैं ब्यूटीफुल टू हैंडसम, जमेगी अपनी जोड़ी मैं खाई पियल घर के देहाती हई पाठा, खाई पियल घर के देहाती हई पाठा, भरल बा देहिया में दूध घी माठा, भरल बा देहिया में दूध घी माठा, डम क द पारा पलंगियो हिलो के, आज पलंग तोड़ देवे के बा, डाउन क द पारा पलंगियो हिला के, चुम्मा चपकौआ कबो देखि बोले, चुम्मा चपकौआ दे द झुलनी उठा के, चुम्मा चपकौआ दे द झुलनी उठा के। ए सोना जल्दी से आ जा ना।
देखा अब मोर्चा पे चढ़ा के धोखा मत दो। पहले 100 करोड़ के बारे में बताओ, फिर उसके बाद। ए डार्ली, अब तुम हमके धर्म संकट में डाला था। इसमें धर्म संकट में आने वाली कौन सी बात है? अब मैं किरण बलराज खन्ना नहीं, किरण निरहु यादव हूँ। तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। सर, लगता है लाइन पे आ रहा है। और पति पत्नी के बीच में कोई राज राज नहीं रहता। हमरा के पते नहीं के का बताई, हमें कैसे समझाएं कि हमके खुदे नहीं के पता, हम खाली बियाह करे खातिर कुल झूठ बोल रहे। क्या सोच रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सुसु करके आवता नहीं। कहा था ना दारू मत पिला उसे। क्या कह रहे थे? 16वीं विद्या है। अब मुतवा उसे, इडियट। सर इतना टाइम, मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है। साहब, बहुत देर हो गई, आ क्यों नहीं रहा है? नॉक द डोर। ओके सर। पतिदेव, मेरे प्यारे पतिदेव, निरवा डार्लिंग, डार्लिंग। सर, कुछ आवाज नहीं आ रही, लगता है लुढ़क गया। हाँ? अरे अब क्या होगा? मुंह। सर, कहाँ गया वो? ए हल्का, तुझे कैसे मालूम 100 करोड़ अब उन लोग ने चुराया है? पहले ना मालूम लेकिन अब मालूम चल गए। ए, गाड़ी थमाओ, याला कापून टाकून समुद्रात फेकून देऊया। ए, चल लवकर। काढ्याची पट्टी। लवकर बोल नाही तर मारशील। हरो समुंदर। अरे शाण्या, अरे शाण्या बोलना। अरे बारात जाई सैया जी के साथ, बस 2-4 दिन के बाद चढ़ी गली में। अजिया धड़ के हमार जाए पड़ी ससुरार, छुट्टी घर बदुआर रही होली में। अपना मर्जी के हम मालिक, हुकुम दोसर चलाई। मानी नाही मोर बलमुआ, सारी रात सताई। करी मोहे परेशान सही समझी। तूफान जैसन जोश, समुंदर जैसन जवानी। बेटा हमरे नाम निरहुआ हिंदुस्तानी। मारी से आओ।
सर 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 पूरा होटल देख लिया, कहीं नहीं मिला वो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ढूंढो सब जगह। यस सर। कहाँ गया वो? हेलो कंट्रोल रूम, मधुन मात्रे बोलते हो साहब। व्हाट मूव हटिए। निकलो बाहर, पुलिस ने तुम सबको चारों तरफ से घेर लिया है। चलो जल्दी, कोई होशियारी नहीं। तुम लोगों ने थोड़ी सी भी चालाकी की तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। साहेब जेकरा के तू लोग ढूंढत बाड़ा उगाड़ी में ना, कचरा पेटी में कचरा भी न था। समुंदर के पानी। आपने 100 करोड़ की रॉबरी का पर्दाफाश किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने उन चोरों के बारे में पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? इतना टॉर्चर क्यों सहा आपने? अरे ये सब हमारा प्लानिंग था। वो क्या है कि चूहा को बिल में से निकालने के लिए बिल में पानी डालना पड़ता है। ये भोजपुरी आइडिया आप लोग को समझ में नहीं आएगा। सर ये आइडिया आपको आया कहाँ से? कहाँ से? अरे इससे ज्यादा दिमाग तो हमारे गांव में भैंसिया को भी होता है। जी, आपकी 100 करोड़ की रॉबरी का मिशन तो पूरा हुआ, अब आपका अगला मिशन क्या है? मिशन सुहागरात। तोहरा चक्कर में भाईल बा बहुते पिटाई, सुहागरात में आज बड़ी मजा आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? हाथ हम यौवन चाहे तवन लगा सकता नहीं। अरे हम तुहार पति है। पति? कौन पति? कोई देखा आज बिया भाईल और आज पूछा दिया कौन पति, अभी बताओ तानी। खबरदार, जो दोबारा अपनी जुबान से ये बात निकाली, तुम तो मेरे पति तो क्या, मेरे नौकर बनने के भी काबिल नहीं हो। समझ में आ गेल मैडम कि तोहरा मन में हमरा खातिर काबा, लेकिन अब जोन हम करब तोहरो समझ में आ जाए। मिस किरण खन्ना, ठीक है ना भाई जी? हाँ। बंगलो नंबर 203, पाम स्प्रिंग, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 104। निरुआ, कोर्ट का नोटिस। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मिसेस किरण यादव। एक्सक्यूज मी, किरण यादव नहीं, किरण खन्ना हूँ। किरण खन्ना तो आप पहले थी, मेरे मुवक्किल से शादी करने के बाद आप किरण यादव हो गई है ना? लेकिन मैं शादी को शादी नहीं मानती। Point to be noted, my lord. अपने पूरे होश हवास में अपनी मर्जी से शादी करने के बावजूद ये कह रही है कि ये शादी को मैं शादी नहीं मानती, जबकि इसका पुख्ता प्रमाण ये है, ये मैरिज सर्टिफिकेट। क्या इस प्रमाण पत्र में किए गए हस्ताक्षर आपके नहीं हैं? यस सर, लेकिन मुझे फंसाया गया है। किसने फंसाया है आपको? मिस्टर मुखर्जी ने जज साहब। मिस्टर मुखर्जी को कटघरे में बुलाया जाए। नहीं नहीं जज साहब, ये शादी तो इन्होंने अपनी मर्जी से की है, जिसके गवाह है इनके दोस्त मिस्टर रॉकी। हाँ तो बताइए मिस्टर रॉकी, क्या आप इनको जानते हैं? यस, शी इज माय गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपने इनकी शादी मेरी मुवक्किल निरहुआ कुमार यादव से क्यों करवाई? मतलब आप नामर्द हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं मर्द हूँ। आप नामर्द हैं? मैं मर्द हूँ। आप नामर्द हैं मिस्टर रॉकी। जी साहब, इनको पता नहीं है मैं रोज सुबह 2 लहसुन खाता हूँ। इसीलिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड की शादी मेरे मुवक्किल ये देसी मर्द निरहुआ कुमार यादव से करवाई, ये सच है या नहीं? जी साहब, मैंने इस वजह से थोड़े ना शादी करवाई। तो किस वजह से करवाई है? मिस्टर मुखर्जी के कहने पे। मिस्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं किरण को 1 करोड़ रुपए दूंगा। जी साहब, इसलिए मैंने शादी करवा दी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं नहीं सर, मिस्टर रॉकी नहीं कहा था,
क्या आप किरण को 1 करोड़ दोगे? आप मुझे भी 1 करोड़ दीजिए, मैं किरण को राजी करा दूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। मिसेस किरण पे इंडियन पिनल कोड की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र और धारा 420 का भी केस बनता है। अरे बाप रे बाप! ए का करता है? माय बाप! गांव के सीधा साधा लड़का के साथ इतना बड़ा छल! माय बाप! हम जिए करेंगे जात माय बाप, हमके इच्छा मृत्यु को वरदान दे दी। हाँ भाई, कहूं के लगे जहर होके तब के दे दो भाई, हम पी के मर जाए। वकील साहब, हमके किरासन तेल लिया के दे दो, हम जहर के मर जाए। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? अरे ड्रामा ना अजय साहब, गोला चार पति के फरियाद। अब हम कौन बोले के अपना गावे जाए? अब अगर हम गावे जाए तो अपन मेहरारू के लेके जाए, ना तो गांव में हमार लाश जाए। जज साहब, अब हमार जीवन और मरण सब आपके फैसला पे निर्भर बा। जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर निरहु, ये अदालत है, आप अपने जज्बातों पे नियंत्रण रखिए और अपने जगह पे जाके बैठिए। ठीक बा। ऑर्डर ऑर्डर, इस केस की सुनवाई आज पूरी हुई, अब इस केस का फैसला अदालत दिनांक 23 अप्रैल 2017 को सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। ऑर्डर ऑर्डर, तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पैसे के लालच में किरण खन्ना ने निरहु कुमार यादव से शादी की और पति पत्नी के संबंध को मजाक बनाया, जो कानून के साथ साथ समाज के लिए भी अपमानजनक है। इसलिए अदालत हिंदू मैरिज एक्ट धारा 9 के तहत किरण खन्ना को आदेश करती है कि 1 साल तक निरहु कुमार यादव के साथ रहकर दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें। 1 साल के बाद अगर ये चाहें तो अदालत में तलाकनामा दायर कर सकती हैं। और ये अदालत निरहु कुमार यादव को सचेत करती है कि किरण कुमार से किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। एकदम नहीं करेंगे माई बाप, बस ही मत करें हमारे साथ में। और साथ ही साथ ये अदालत पुलिस प्रशासन को आदेश देती है कि इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को एवं राकेश कुमार उर्फ रॉकी को तुरंत हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई करें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर, हैंड्स अप, हैंड्स अप। डार्लिंग, तुम किधर? अगर किसी ने भी बचाने की कोशिश की तो इसे जान से मार दूंगा। रुके, छोड़ो मुझे। ओह माय गॉड, शट अप। गुड शॉट, गुड शॉट। जान, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ले जा। का करे जा, अब तो चला ही के पड़ी। चला चली गाजीपुर, चला चली गाजीपुर। अरे बेटा, कितना दिन बाद तोरा के देखा थी बचवा। प्रणाम चाचा जी। कार कुनरवा, बढ़िया कैलीफ की नलायकों के मुंबई में नौकरी लगा दे ली। ये क्या बेटा? तुहार बहु रानी। हमार बहु बहु रानी? अच्छा, नहीं, अच्छी है, अब बहुत अच्छी है। अरे बड़को, छटको कहाँ पड़ी आवाज जल्दी सरे, हमार पतो है, बहु रानी आइल बड़ी। अरे भौजी, भाभी, अरे हम तोहर देवर है। Shut up and stop all this nonsense. मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ, मैं सिर्फ कोर्ट का आदेश पालन करने के लिए आई हूँ। 1 साल रहूंगी और फिर चली जाऊंगी। और खबरदार, अगर किसी ने मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। निरहू, जी मैडम, मेरा कमरा किधर है? अब मैंने पूछा, मेरे लिए कमरा किधर है?
हाँ। ये घर में तोहार कौनो कमरा नहीं के। हाँ। ये घर हमार हा। अब हमारा मतलब हमार ना तो ठीक बा हमार हिस्सा बांट दा। का का कहले है तू बांट दी ससुर जौने छपरा मारा सब हिस्सा मांगल बुला जाएगा। इसे कैसे मारब जी काहे के मारब ई घर हमार ए घरे के मालकिन हम तो हमार कमरा हमरे बेटा का कमरा जा बेटा जा जा हमरे कमरा में जा 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 आई मैडम जा कमरा में जा हम हो जाते नहीं ए आए तय कहां रे मैडम जी के लगे मैडम जी के लगे हां तू लही अरे बाप ना 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 घर जाता नहीं अरे बाप रे बाप कहां फंस गई नी हमरा मना करे के बाद भी घर में घुसा दे लो अरे हमरा तो कौनो इज्जत नहीं थे और ना टका और ना टका और ना टका का ना टका बे भाग यहां से चुप भाग यहां से भाग जी ए कहां यहां हां बोली जब वो बेशरम लड़की खुके घर के बहू मानते नहीं के तकाउ ना हक से यहां रही हमार बंस पढ़ावा खातिर जी अरे एक साल के बाद जाए वाली बिया ओकरा से तू बंस पढ़ावे के उम्मीद लगावले बड़ू इतना बड़ हो गई नी इहो ने के पता कि लड़का होके खातिर खाली 9 महीना चाहला सालों भरना अरे जब उनी रहवा के अपन पति मानते नहीं के तो 9 महीना आपका 9 साल में भी कुछ ना होई काहे ना होई जी और कैसे ना होई जरूर होई एक बात बताई जब हमार लड़का और शहरी लड़की के मुंबई शहर से उठा के गांव में लिया सकेला तो अपने छोट 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 बच्चन का माई काहे ना बना सकेला जरूर बनाई जी हमरा के अपना बेटा पर भरोसा बा देख ले भाग यहां से देख ले चाचा तोरे घर के आइल बा के हरे पता नहीं के मैं किरण का डैडी हूं आई बैठी मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ मेरी बेटी कहाँ है पापा पापा किरण बेटा ये तूने क्या किया अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा कोई बात नहीं तुम्हारी गलती सुधारने के लिए मैं आ गया हूँ निरहुआ कहाँ है अरे ससुर जी प्रणाम शट अप मुझे ससुर जी नहीं साहब जी कहो राजा का मुकुट पहनने से कोई भिखारी राजा नहीं बन जाता और भिखारी की क्या औकात होती है मैं अच्छी तरह जानता हूं बोल मेरी बेटी को छोड़ने की क्या कीमत लोगे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ सौदे बाजी बाजारू समान कोला साहेब किरण हमार पत्नी है तुम जानते भी हो 10 करोड़ की कीमत क्या होती है रहुआ जाना था नहीं है वो पत्नी की अहमियत का होला 10 करोड़ से तुम्हारा पूरा घर बदल जाएगा और इनका से हमार पूरा जीवन संवर जाए 10 करोड़ को ठुकराना तुम्हारी बदनसीबी है और इनके साथ रहल हमार खुश नसीबी है तुम ये भूल रहे हो कि किरण यहाँ जीवन भर के लिए नहीं सिर्फ 1 साल के लिए आई है रउआ ही भुलाता नहीं कि 1 साल में 365 दिन होला और जिंदगी 4 दिन की आपका बेटा बावला हो गया है बावला नफा नुकसान के बारे में इसे कुछ नहीं पता लेकिन आपने तो जिंदगी को करीब से देखा है जरा समझाइए इसे साहेब नफा नुकसान तो व्यापार में देखल जाला परिवार में ना परिवार में तो मान मर्यादा और प्यार देखल जाला घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना तुम्हारी बेवकूफी है बेवकूफी हमरा घर के लक्ष्मी राउर दौलत ना हमार मैडम जी ऐसा है सिर्फ 1 साल 1 साल के बाद ना तुम्हारे पास ये दौलत होगी ना मैडम जी इसलिए मेरी बात मानो ये दौलत ले लो और किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करके चैन से अपनी जिंदगी गुजारो हमरा पता बा कि 1 साल बाद ही हमरा के छोड़ के चल जी लेकिन आपके बता दी कि इनका गैला के बाद भी हमरा जीवन में इनकर जगह क्यों और ना ले पाई वैसे तो हमनी के संस्कार ना हा कि द्वारी पर आयल मेहमान के जाए के कहीं बाकी रवा एगो मेहमान की हैसियत से ना
एगो खरीदार के हैसियत से आयल बानी। यही से हमरा के ई कहे के पड़ता कि आपन ई कागज के टुकड़ा उठाई और उल्टे पांव निकल जाएं। आज तक मैं केवल पैसों की अहमियत जानता था, लेकिन आप सबके विचार जानकर मुझे रिश्तों की अहमियत भी समझ में आ गई। एक बाप होने के नाते मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि मेरी बेटी सही और सुरक्षित जगह पर है। बेटी, उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब मैं यहां आऊं तो मुझसे बेटी के रूप में नहीं, इस घर की बहू के रूप में मिले। मेरी वजह से आप लोगों के दिल को जो ठेस पहुंची है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए, चलता हूं। संधि जी, रवा कुछ भूलत आनी? गिरधारी भैया बाहर निकला है, गिरधारी भैया बाहर निकला। अरे टेंगड़ा, भाई बारात लेके यहाँ का है आइल बाड़े? हमें यह भयवदीन भाई ना आइल बानी, हम तो यही पूछे आइल बानी कि जौन पतो विदा करा के लिया आइल बाड़ा वो कौना कोठा से लेके आइल बाड़ा। हे चाचा, ए टेंगड़ा, आपन गंदा जवान के लगाम दे, वो हमार पतो हा। पतो? अरे दुद्दू को पतो तो बाड़ी घरवा में है भैया, ये कवन ने का डिजाइन का पतो लेके आइल बाड़ा तू है? ना मांग में सेनूर, ना लीलाद में टिकुली, ना गला में मंगलसूत्र, ना हाथ में चूड़ी, ना गोड़ में छागल, ना आँख में काजल है? ए पारस, हमार पतो चाहे जैसे रहे, अरे तोर कहे करे जा बताता? अरे कहे ना बात ही है भौजी, खानदान देख के नु भा, इज्जतिया तो हमरो नु जाई। ए चाचा, हाँ, जब बिता बिता बेच के दारू पी गईला तब ना खानदान की इज्जत जात रहे। हाई देखा है, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे और लंगटा गांव भर कपड़ा बांटे। ए पंच लोग, बुलाई इनका पतो के और नीमन बाउर जवन फैसला हो रउआ लोग करी, बुलाई। रे टेंगड़ा, हमार बेटी पतो पर्दा में रह ले। अरे का भैया, दाई से पेड़ छुपा होता रहा है? अरे तोरा के बतावा, अगर पतोइया आ गई ना तो सारा पोल खुल जाई, पूरा गांव के सामने बेइज्जती हो जाई। हा, 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 बाबू। अरे क्या मुंह तता रहे? अरे बंद कर रहे, अरे मुंह तता, अरे बंद कर, अरे बंद कर रहे, कबले मुझ में बंद कर, अरे मारा मरा बंद कर रहे। तू ही तो काले राला चाचा की निरहू भैया का ब्याह हो जाई तो हम मुंह पे मुतवा ले। और न तका जिया नंगा राजकुमार। अरे हमार औलाद ना बुझाता के कर बाड़े रे, बहुत कूटब। अरे हटा, अरे अपने औलाद बा, अपना घर में तो तुहार चूल्हा जलाओ के औकात नहीं के और दूसरा के घर में आग लगावाइल बड़ा। ए दीदी, ए भैया, अरे ई निर्लज के तरफ से हम माफी मांगा तानी रउआ लोगन से, इनका के माफ कर दी, माफ कर दी। चाचा का खत्म खेला, चाची निकाली तेला। और न तका। बेटी, आज तू हमरा घर के लाज रख लेलू, तोहरा के बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए बाबूजी, ये मेरा भी तो घर है। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबूजी कि मैं इस घर की लाज हमेशा बचा सकूं। जुग जुग जिया बेटी, सदा सुखी रहा। Thank you.
कहलू दिलावा के बात बड़ा ढेर दिन पे कहलू बतावा जा बतावा जा बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान कौना जीत ले ले बाड़ा हमके तोहरो सने हो हमरा जिंदगी में गम के हाँ बन के तुम्ही तो जीत ले ले बाड़ा हमके तोहरो सने हो हमरा जिंदगी में गम के बन जो के मिल गईल हमके तिरियावा नहीं आके बर गईल जियावा में दियावा हमरे जिंदगिया के हो हमरे जिंदगिया के बागचा कबलू बतावा जा बतावा जा बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान कौना छंदार बहु हाँ लक्ष्मी निया देवर जी के बाड़ तोता सपना के रानी पढ़ की बहिन नियन बाड़ वे जेठानी हमारे निरहुआ के हो हमारे निरहुआ के भगिया जगवनु बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान कौना दुल्हन कितना सुंदर लगा तारू एकदम हिंदी फिल्म के हीरोइन जैसन दुल्हन एगो बात कही आपन सुहागरात के सपना तो हर लड़की सजावेली लेकिन तोहार सुहागरात के सपना सिर्फ तू ही ना ये पूरा परिवार सजाई ले बा मैं कुछ समझी नहीं हमार कह के मतलब ई बा कि हमरा के और छुटकी के नसीब में भगवान माई बने के सुख तो देवे ना कैलन यही से ई खानदान के वंश चलावे के पूरा जिम्मेवारी तोहरा पे बा बड़की भाभी हाँ रवा के माई बुलावत आ रही अच्छा चला बता हाँ। मंजली भाभी हाई ले रहा और मोबाइल अरे वाह मंजली भाभी के तने रहू भैया बहुत प्यार करी ले अच्छा तोहरा के कैसे पता बा कैसे पता का जेकरा हाथ में मेहंदी खूब लाल होला मतलब कि ओकर मरद ओकरा के बहुत प्यार करी ले अच्छा तोहरा मरद मेहरारू के प्यार खूबे पता चला था हाँ लागत भैया से बात करके तोहरो हाथ में मेहंदी लगवा ही के पड़ी अच्छा मजलो हम अबे आवतानी हाय सोनिया जो की रात रउआ के ने अरे बिमला अरे कहा जाता रे अरे वो दूध देवे चाची ना अच्छा निरहुआ लगे हाँ देखी तो अरे रे 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 ये तो पानी नियन दूध बाटे आए तने मलाई डाल दे के चाटे हाँ जोकर सुहाग रात बाटे जो मलाई लेके आओ जो 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 दीन हम डाल अरे राह देना हमरे लगे तू जो ना हम है ना मलाई बढ़िया से लेके आओ जा जा ठीक बा जा ई
नहीं ला चाची, आप ता खुश ना? हाँ पकड़ा। जा बहुरिया से कह दियो कि जरूर पिया दे जा। हाँ हम एकदम में कह दे। जा जा जा। दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू तो नाराज हो गई लो। वो बड़की भौजी के चलते थोड़ा लेट हो गई ला। सॉरी। से सच्चा प्यार करते हो तो उसी सच्चे प्यार का वास्ता, ये तुम्हारे और मेरे बीच की लक्ष्मण रेखा है, इसे कभी पार मत करना। लेकिन कहे किरण, एक तरफ तू हमके प्यार के वास्ता देता और दूसरी तरफ करीब आवे से रोका था, कहे? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूं और पूरी जिंदगी नफरत करती रहूंगी। लेकिन किरण, अमर कसूर का? तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर यह कि तुमने मुझसे प्यार किया। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने प्यार पर? मैं तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर कर दूंगी। तुम्हारी बीवी होकर तुम्हें बीवी का सुख नहीं दूंगी। तुम मुझे महसूस करोगे लेकिन छू नहीं सकोगे। तुम मुझे देख सकोगे लेकिन पा नहीं सकोगे। रुलाऊंगी, तड़पाऊंगी, तरसाऊंगी, यही सजा है तुम्हारी। निकल जाओ यहां से, गेट आउट। अरे कुलच्छिनी, अरे ये हमार घर है, हमरे बेटा का घर है, देखो नहीं निकलने वाली रे, हैं? तोरा के तोरा औकात बताओ तनी हम, चल, जो उन गाय दूध न दे, वो माटी में जाए, कौनो रिश्ता नहीं के तोरे घर से, निकल यहां से। ए बुढ़िया, तू कौन होती है मुझे इस घर से निकालने वाली? हाँ, तेरा एक पैर शमशान के बाहर और दूसरा पैर चिता पर, तो तुझ में इतना रुबाब है और मेरे दोनों पैर जमीन पर, तो सोच मेरा कितना रुबाब होगा। ए लड़की, चिल्ला मत बुड्ढे, नहीं तो गले की गोटी निकल के बाहर आ जाएगी। भाग कर नहीं आई हूँ? तेरा बेटा शादी करके लेकर आया है और उसका सबूत है मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। इतना काफी है या कोर्ट का लाइसेंस दिखाऊं तुझे? करे निरुआ, तोरा सामने ही हमनी के अंट संट बोलतिया और तोरा मुंह में दही जामल हा। अरे भगवान ने करा के यहां से। अरे माई, तू काहे नहीं को समझत? का करता रु तू? ये घर से अकेल ना जाई, अगर ई जाई हमरो जाए पड़ी। हाँ तो जोर ना, जाज का है ना पड़े। रुवा शांत रही, हम बात करता नहीं ना। देख बेटा, हमार बात सुन। अरे जब भी तोरा से कोनो मतलब ही नहीं के रखा, तो तोरा औलाद कैसे होगी? अरे माई, हमके औलाद ना चाहिए, हमके हमार मेहरारू चाहिए। ए बुढ़िया, सुन ली ना मेरे पति की बात, ये और कुछ सुनना बाकी है। अरे कलमुही, जब तक अपना पति की पत्नी सुखदेव न कर बे, तो कौने बात को पति पति रख लगाता रे? ये पति पत्नी के बीच का आपसी मैटर है, डोंट इंटरफेयर। अरे माटी में गल तो आपसी मैटर, हमके एक खानदान का वंश चाहिए, बस। वंश का सपना देखना छोड़ दे, मैं तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अगर हो गई तब? अगर नहीं हुआ तो अपना मुंह में करखा पोत के सारा गांव घूमब, और अगर हो गई तो तोरा मुंह में करखा पोत के सारा गांव में घुमाई। मंजूर बात तो मिलाओ हाथ, मिलाओ। चल मंजूर है। बच्चा, एक फल का नाम ले। केला। अच्छा, एक सब्जी का नाम ले।
भंटा। ए बाबा, हम यहाँ फल और सब्जी खरीदे थोड़ी आयल बानी। ये सब छोड़ी ना, हमके तो बस ये बताई कि हमार ब्याह कब होई। हम कब से इंतजार करत आनी। बस बच्चा, एक आखिरी सवाल। बच्चा एक जानवर के नाम बता। घोड़ा। शांत बेटा शांत। बस बच्चा, तुम्हारा शादी का संयोग चरमरा गया है। मालिक की कृपा से इसी लगन में तुम्हारा निकाह होगा। वाह बाबा, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। जा बच्चा जा। कुमार, कुमार? हाँ माई। अरे हमरा के तनी मुरली बाबा का दर्शन करे के हा। अच्छा ना बेटा। माई हम सुबह सुबह अंडा खा लेल बानी, तो मंदिर कैसे जाई। एगो काम करा, नंदुआ के साथे जा। अच्छा, नंदुआ चल रहता ही चल। अरे माई, हम मंदिर नहीं की जा सकत। हम मंदिर नहीं की जा सकत। काहे कि आज सुबह ही उठ के जब हम जमाई लेनी है ना, तेगो माछी मुंह में घुस गई रहे। अच्छा, आज हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गई बा। हम मंदिर ना जाएं, ना जाएं मंदिर, ना जाएं, ना जाएं। हम चली तोड़े संगे, हम चली। काबे क्यों? रउआ के तो दोनों बेटा भरस्ट हो गई ना। अगर रउआ भरस्ट ना होखी तो हमरा संगे मंदिर चलो। ठीक है तो चल। अरे हमरा के फटफटिया चलावे के ना आवेला, बुझलू? 4 किलोमीटर पैदल चले के बा तो चला। ओ तो राहे देही, 4 किलोमीटर पैदल चलत चलत तो हमार गोड़ ना दुखा जाई। हाँ आ भगवान, अगर आज हमार बाप हमरा के फटफटिया चलावे सिखौले रहत तो 3 दिन को मुस्टंडा बेटन के निहोरा ना करे के रही। अरे जौने मतारी के 3 दिन को मुस्टंडा बेटा होखे, ओकरे मतारी के कोई मंदिर भी ना ले जाता। हे भगवान, कैसे तोहर दर्शन करी। हे हमर नाथ काक। हाँ बेटा, चलो हम लेके चलत हैं। चलबा? हाँ चलो। अच्छा देख देख, ये हमार सरवन बेटा। और न तो का, चाबी 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 ला बेटा, चाबी चल। आ गए मंदिर। कहाँ गई? कहाँ बाड़ू? आ आ हमके का पता? अरे हमरे आके पता बंटी बानल। अरे कुछ नहीं के लोग का चाहता हूँ, लोग बात करवा हमरा से। ए सुनो, तू अपन माई के जिंदा देखल चाहता रहा, तू करा जो हम कहता नहीं। का चाहता रहा तू लोग? तोर बगल में वो मंडप लगल बा, वो मंडप में दूल्हा की जगह जाके बैठ जो। अबे हम काहे बढ़ जाई? वो मंडप में आज हमार बिटवा की शादी हो। अरे तो तोरे बेटा के शादी है तो अपने बेटा के बैठाओ, हमके काहे बैठे का तरे? अरे वो तो परेशानी के बात बा, हमार लड़का शहर से शादी के लिए आवत रहे, अबले नहीं खे आई, और इधर मुहूर्त बीतल जाता, और शादी के मुहूर्त बीत गए तो अगले 20 बरस लड़की के शादी के लगन नहीं खे। ऐसे लड़की वाला हमार मेहरारू के बंधक बना ले बा, और अगर मुहूर्त बीत जाए वो हमार मेहरारू के गोली से मार दे। ऐ खातिर जब तक हमार बिटुआ नहीं खिया तू दूल्हा बन के बैठ जो। अरे हम बैठब तो लोग के पता ना चली कि हम दूल्हा ना आई।
तू ओकर चिंता मत करो, उ लोग कुछ ना जान पाई है। उ का है कि लड़की वालन हमार बिटुआ की शक्ल ना देख ले हा। देखो तू लोग सही नहीं करत, अभी सही गलत सोचे के समय नहीं है, फिर कुछ समय के बाद बा तोर छटा फेरा होते हमार बिटुआ आ जाई। सुना कुछ गड़बड़ कैला तो अपन माई की जिंदगी से हाथों बैठ बे। चुप बुढ़िया चुप। चला माई चला चला चला। पंडित जी दूल्हा बाबू आ गए ले। हाँ हाँ जल्दी जल्दी ब्याह करवा। हाँ जल्दी जल्दी हाँ 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 भाई। अरे जजमान फेरा लगाए, जल्दी करी जल्दी करी मोर पितल जब जल्दी करी। मंगल भगवान विष्णु मंगल भगवान दुर्गा मंगल पुण्य का चमन लाए तनु हरि। अब आगे चली आगे चली आगे चली जल्दी करी जल्दी करी। हाँ जल्दी करी मंगल भगवान विष्णु मंगल भगवान दुर्गा मंगल पुण्य का चमन लाए तनु हरि। सर्व मंगल मंगले शिव सर्व पांडि के सर्व नेत्र मंगे गौर नारायण नमस्ते। मंगल 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 मस्तु इली जजमान सिंदूर दान करी। अरे जजमान जल्दी करी। हम ना हम सिंदूर दान ना करब। जजमान रहुआ कहीं ना। हेलो रुक का गईला। तू तो कातरा लेके छा फेरा में तोर बेटा आ जाए, कहाँ रह गई? चिंता मत करा, ये सिंदूर भी हम अपन बेटे के खाते में डाल दे। अच्छा ये कोनो राशन के बही खाता आगा कि ये खाता में से उठा के वो खाता में डाल देबे? चुपचाप सिंदूर डाल। हम ना डाल। ना डालबे ना डाल। अब अभी तक तो जीवता नहीं बेटा, बाकी आगे के जिंदगी का कोनो भरोसा ना। अरे तू बच गई लू या फंस गई नहीं? चला यहाँ से। चल चल आवा। अच्छा अच्छा। अरे अकेले अकेले कहा जाता नहीं, राउर बहुरिया साथ है लेके जाई। बहुरिया? कवन बहुरिया? केकर बहुरिया? अरे हाई बहुरिया, राउर बहुरिया और केकर। मान न मान, हम तार मेहमान, ऐसा कैसे बहुरिया है? सुनी राउर बेटा हमरा बेटी के साथ है साथ फेरा ले ले बा, एकरा मांग में सिंदूर डल ले बा, मंगल सूत्र डल ले बा, एकर सब का सबूत हमरा लगे बा। अगर हमरा बेटी के अपन बहुरिया माने से इनकार कहनी तो पूरा परिवार के जेल भिजवा दे, बुझनी? हाँ भले जेल खटब, लेकिन हम एकरा के अपने संगे लेके ना जाए ना। चल बेटा चल, चल। सुनी अरे अरे ब्याह के बाद अगर एगो लड़की के ओकर पति मंडप में ही छोड़ के चल जाए तो वो कहाँ जाए? ये दुनिया के काम मुँह दिखाई, कम से कम जाए से पहले हमरा के अपना हाथ से जहर दे के जाए, कहे के बाप के बिना हम ना जी पाए। अरे ऐसे क्या कहेगी बिटिया, ऐसे क्या कहे तारू? भले हमार बेटा तोरा के अपन पत्नी के दर्जा ना दे, हैं? बाकी तो हम तोरा के अपन बिटिया बना के रखब। ए माई चल आओ, ई का बात करता है। चल चल चल। अरे अरे माई बापू उतर 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 बापू। तो खेल खेल खेल। कौन हो रहे? हाँ भैया तार छोड़ भाई पारस। कहाँ रे टेंगड़ा? हाँ भैया आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गई? अचानक तोरा में इतना बदलाव? बदलाव ना भैया, प्राश्चित कहा, अपना पाप के प्राश्चित भैया। पाप के प्राश्चित? अरे भैया हम बैल आदमी भैया, बताई अपना परिवार के गैर समझत रानी। ए भैया अरे रहुआ जौन आग में जरतानी भैया वही आग में हम जरतानी। ए भैया अरे वर्तमान के देख के भविष्य की चिंता में जरतानी भैया। अब बताई ना भैया जवन लड़की ये खानदान का खेवैया रहे वह वंश का रैया डुबावा पे तुरल बिया है भैया। हाँ हम तो कहता नहीं है भैया ने रहुआ का दोसर ब्याह करा दे। अरे हम सपोर्ट करो, छोट भाई है रहुआ से अलग हो सकी रहे। बाबूजी 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 रहुआ भैया नौकी भौजी ले आइलन। नौकी भौजी? अरे मर को
अबे बेटा पतो नहीं है बियाह कैला हा मांग टिकला हा तो बेटा कुछ रसम रिवाज ना हो तो असगुन ना हो जाए निमिया की ये सब इतना जल्दी कैसे रे? अरे इतना जल्दी का जरूरत रह लिया वे के? अब तू लोग के पता रह लगा कि वो जी आवत है? नहीं ना? अरे भाई हम रंगोली फेंके जाता नहीं होई से हमरा हाथ में बा। अच्छा अच्छा हाँ माँ जी हम तो ये तो दौरा छत पर डाले जाता है नहीं और ये जाता नहीं हो पूजा करे यही से इनके हाथ में बा। हाँ। निमिया की डोर माई ई के हा? अरे कोको कुछ नहीं रे अरे मिठाई मिठाई क्या हमार पतो इल बिया पतो अच्छा ला निरव मिठाई खा ला ला खा ये मिठाई कैसा अरे अरे वो घरे मिठाई ले आइले ढेर दिन हो गए रहे ना ऐसे किन के लिए नहीं है और ना तका ना खाइबो मत खा मत खा मैं गोड़ ए नंदुआ गाड़ी पकड़ता है बेटा तू उतर मैया मोरी गावेली गीतिया बेटा ए मैं गोड़ डाल के तो चला भाग यहां से जूली जूली ना भैया के भाई चाचू बढ़िया कहले बेटवा दूसर बियाह के ले ले बहुत बढ़िया पता ना एक इतना मेहरारू कहाँ से मिल जाली हो जहाँ जाला एगो उठा के लिया वेला निमिया के डार मैया डाले ली झूलवा हो की झूली ना मैया मोरी गावेली गीतिया अरे वाह कितनी महान है ऋतु तेरा दिल तो समुंदर से भी ज्यादा विशाल तेरे विचार आसमान से भी ज्यादा ऊंचे त्याग और बलिदान की साक्षात मूर्ति है रे तू जो ये जानकर इस घर में आ गई कि तुझे ये घर तो मिलेगा पर संसार नहीं तुझे पति तो मिलेगा लेकिन पति का प्यार नहीं तुझे मन का सुख तो मिलेगा लेकिन तन का नहीं तेरी मांग तो भरेगी लेकिन गोद नहीं तुझे यहाँ बहू बेटी चाची दीदी मामी काकी बुआ सब कहने वाला मिल जाएगा लेकिन माँ कहने वाला कोई नहीं मिलेगा ये कहा कहा तारी के पड़ी ए बुढ़िया बताओ 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 का ही नहीं कि मैं इसकी सौतन हूँ नाना हमार बात सुना हाँ बताओ तानी चला अंदर चला बताओ तानी अबाई मजा तो पेशाब अरे यार अरे अरे तो नहीं बाप पर अरे बापा पे काहे मुंह तक तारे रे अरे नीरव भैया तू सर की भौजी ले आइल बाड़े ना ऐसे मुंह तेलस ना वो भी दुगुना अरे तई नीरव जब जब भी आ करी तब तब मोर लइका मुती है का मोर ऊपर और न त का अरे रुका तो नहीं के बताओ थियो क्यों रे सौतन तो अभी तक यहीं पर है गई नहीं अरे हम कहे जाए ये हमार घर है हम यहीं से रहे और अपन संसार बसाए असुन मुहे में कर खा पतवा खातिर तैयारी कर ले ए बुढ़िया तू क्या समझती है तूने इसको पटा लिया तो तेरा हर अरमान पूरा हो जाएगा कभी नहीं नीरव वो मेरा पति है मेरा इस छिपकली का कभी भाव नहीं देगा तेरा कोई सपना पूरा नहीं होगा अरे हम पूरा करें बम्मा जी के सपना हम देवी खानदान के वंश और वो एगो ना पूरा एक दर्जन और ओकरा बाद तोहरा के नौकरानी बना के अपना लेकन के टट्टी धुलवाई टट्टी धुलवाई बड़ा हिली है बतिया वे जिंदगी झंडबा फिर भी तो मंडबा अम्मा जी सुहाग रात हमार हा
लजाए के बिराए के हमरा के चाही, तब रउआ काहे लजाता नहीं। अरे बकलू ले बड़ू का एकदम से उडैनिया घर में भी है ना, अगर सामने होकर छाया पड़ गई ना तो बन लो काम में बिघन पड़ जाए। चल जा जा। लेकिन अम्मा जी हमरा लाज लगता हो गई गुड़ गोबर। अरे समझा करा के। अरे आज लजाइबू तो पूरा जिंदगी लजाते रह जाइबू। गिरा दे तू इलाज शरम की दीवार और जा अपना सैया जी पे चलावा अपना हुस्न के वार। जा ए नंबर टू, निरव्वा मेरा पति है, मेरा तेरा कुछ नहीं होने वाला, समझी? अरे हमरा कितना तू शांत रहा, शांत रहा। जा। ए बुढ़िया कुछ नहीं होने वाला, ए। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, सब कुछ है। खाता अच्छा कैसे कैसे भइल। बंद दरवाजा को के पिया फटाफट खूंटी पे टांग दे हले खोल के बुसट। आई सुन तो आगे का भइल बताओ। बंद दरवाजा करके पिया फटाफट खूंटी पे टांग दे हले खोल के बुसट तोरा भर के राजी को के बलम बाजी मार ली हले तोरा भर के राजी को के बलम बाजी मार ली हले तोरा भर के सब साफ साफ खुल के बताओ। Mm-hmm.
राजे कई के बलम बाजी मार ले ले कोरा भर के। क्या रे बुढ़िया की दुम छल्ली नंबर टू कैसे बोल रही थी? कमर दुखाता। भूल गई? चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ता है। मतलब मतलब चल तुझे दिखाती हूँ। अरे सुना, अरे सुना सुना, ये क्या है? चटाई इधर पलंग उधर। हाँ बढ़िया सुहागरात मनाने। हाँ ए बुढ़िया, तेरी ये फुसफुसिया से कुछ नहीं होगा। किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं। निरवा मेरा पति है, मेरा मुझसे प्यार करता है, इस निठल्ली को तो भाव भी नहीं देगा। अबे बुढ़िया अभी भी हार मान ले, पोत ले काले खपने मुंह पर। टीचू टीचू कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ए, सब कुछ होगा, सब कुछ। अम्मा जी। अरे बिटिया ऐसे दिल करा, ऐसे दिल छोटा मत करा। अरे एक बार खाली चल गलत का भल, वार पर वार कर जा। कौनो वार तो निशाना पलागी। अम्मा जी। बिटिया जल्दी लगी, जरूर लगी। चुंबन क्रिया तथा इसकी भेद। आए अरे दीदी लोगा। अच्छा ता आजकल काम सूत्र के किताब पढ़ल जाता। हम हूँ कहीं कि आजकल सजिए का दरवाजा बंद हो जाता। दीदी की तबियत दे दी ना। और आप तो ये हम हूँ पूरा किताब पढ़िए के देम। दीदी कहाँ भागा जाता रू, तनी एक कप चाय बनावता। जी बाबूजी। ए दीदी दीना की तबियत वहाँ का मांगे तो हम का कहे। अच्छा किताब कैसे? बाबूजी बाबूजी पूजा के सब सामान ले आई नी। हाँ ठीक है ठीक है। फल मिठाई घी दूध सब ले आई नी। और कुछ काम हो तो हमरा के बता दी बाबूजी। ई तुहार हो? हाँ हाँ ना 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 हे भगवान अब कोई कुमार। अरे सुन रहे। हाँ माई। काल पुनवासी है, कथा कहे के पंडित जी से कहले रहे हा। हम भुला गए नी माई। अरे तो जो कह दे। काल पुनवासी है, कथा कहे के बुझाइल। और लौटत बखत ठाकुर के कह दी है कि सबके बलौटा दे दी है। ठीक बा माई। अरे एने ना ओने जो। हाँ हाँ हा, माई। बहू चाय बना लो। हाँ बाबूजी बना बता। हाँ छी 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 अम्मा जी रवा का दिखा होता नहीं, रवा लाज नहीं थी लागत। और ये बच्चा चल तो औरों के दिखे खातिर थोड़े देनी है ना। Thank you.
दिमाग खराब हो गई बा समझ में नहीं बात बार बार समझे लग बात भी चल निकल बात चल निकल चल विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरी काक्षा मंगलाय तनो हरी ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। बहू के बुलाई पूजा के समय बीतल जा रहा बा। आयल हाँ भैया। किरण के बुलावा पूजा पे बैठे के बा। ठीक बा भैया। मुझे तैयार होने में आधा घंटा टाइम लगेगा, इंतजार करो। पंडित जी आ गई ना, लोग आ गई ना, मुहूर्त निकल जाता, अब उनके आधा घंटा क्यों बैठ के जो ही। चल चलनिया भाई, पंडित जी पूजा शुरू करें। चल। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्य। ये बुढ़िया 2 साल से सत्यनारायण भगवान के पूजा ना करोलस, आज न जाने ऐसा का हो गई कि उस सत्यनारायण भगवान के पूजा करा रहल बाड़ी। कहीं ऐसा तो ना कि दूरों सोतीन में सुला करा दलस। अगर कहीं ऐसा हो गई होई तो हमने के कैल कराइल पर पानी फिर जाई। एक लफड़ मरम लफड़ा जी में कितना बिरखंडी की रिस्क मत ले, रिस्क मत ले, निरहुआ के नपुंसक बना दे। लेकिन ना अगर ऐसा हो गया चुनिया तो याद रख तोरा से भीख मंगवाई और हम बैठ के खाई पकड़ पकड़ कर ले। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, माता पिता की जय। जजमान अपन बड़न के आशीर्वाद ले ली। खुश रहा बेटा। खूब खुश रहा। खुश रहा, खुश सदा सुहागन रहा। अरे तू धनला पूतन पाला ए दुलहिन। ए, अरे किधर जा रही है? मेरा भी पैर छू। हम ना छुए। क्यों नहीं छुएगी? मैं तुमसे बड़ी हूँ। अच्छा, खाली बातें में बड़का बड़ी हूँ बड़ी हूँ। बड़े बारो तो बड़नियन कामों तो करा। ए भूल गई, इस देश में दूसरी बीवी की औकात क्या होती है? मेरी दी हुई भीख की खुशियों पर ऐश करने वाली घटिया औरत मुझसे जबान लड़ाती है। अरे देखा था रे, एकर इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अभी हाथ छोड़ दिया। अरे आज तेरे नई की बहुरिया के मरलस, कल तेरे मतारी के मारी, परसों तेरे बाप के मारी, और तय खड़ा होकर खाली तमाशा देख। बारे भगवान कैसन कैसन दिन देखे के परोता। किरण तुहार दिमाग खराब हो गई बा, ये सब का करता रू? अच्छा मैं क्या कर रही हूँ? हाँ आज तक तो ये चाय बास पूरे परिवार वालों को पुड़िया खिला रही थी, आज आपको भी खिला दी, इसीलिए आप इसके साइड ले रहे हो। देखा तू गलत के लिए बाड़ू, चुपचाप एकरा से माफी मांगा। माफी? वो भी इस बच्चलन से? बहुत हो गई।
लोग, आप लोग अपने अपने घर जाए। आजकल के पतोहन का तो कुछ समझे मैंने, क्या होते हैं बहनिया? कोरे एक किलो घी चार दिन में खत्म कर दला सन। अरे अब निरहुआ खातिर हमरा के घी भंडार घर से लिया के पड़ी भगवान। ओहो दुल्हीन, दुल्हीन ला बचवा हमार सवेरे से कुछ होने के खेले हुआ है ना, ला आज ना खूब मन से एकदम गिरा दिया, मतलब किया दिया है ना, किया दिया है। उल्टी होता
अरे सिकुमार कबाऊ, सिकुमरा, नंदुआ, बड़की, छटकी, अरे कहाँ बड़ा सन? हवा हवा, काम है ना जी? मनसा पूरा आ गया, बहुत बहुत खुशखबरी आ गई। अरे रुआ दादा बने वाला बानी, दादा भी, दादा, दादा, हमारे अरे नहीं, बाजी बदहिया, हमारे अन्ना, बाजी बदहिया, हम बने दादी, लुटाई बरुपहिया, हमारे अन्ना, बाजी बदहिया, हमारे अन्ना नहीं। कौरे पहले ही पसीना पसीना हो गई है दादा। हमरा पतो के माई बने का खबर सुन के एकरा तकरे जा पसा लोटा लगल हो है? बड़ा कहत रहे कि खानदान के वंश के आगे न बढ़े दे, देख सुन ले ना भगवान, अरे जेकर राम रखवैया ओकर का बिगाड़ी कोनो कसैया। अब ते देख पूरा गांव बुलाई, मिठाई बाटब, नाचब, गाइब, खुशी मनाइब, तोरा के चराइब। अरे पहली का माई, जो किनारम बाबा कैसे तबीज बनवा के लिया, का पता है डाइन का हमरा पतो का कोख मार दे तब? सही कहा तारी, कुल खातिन कहेंगे। चल कैसा न्याय है भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है जिसने इस घर को वंश देने के लिए इतनी बड़ी तपस्या की, आज तूने उस तपस्या का ये फल दिया, उसमें लाच लगवाया कि वो इस घर के वंश को नाश कर सकती है। क्या कसूर है मेरा? यही ना कि मुझे कैंसर है और मैं मरने वाली हूँ, यही ना कि मैं इस भयानक बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया, मेरे देवता समान पति का दिल तोड़ा है मैंने। मैं ऐसा नहीं करती तो क्या करती? अगर मेरे पति को सच्चाई पता चल जाती तो जीते जी मर जाते, लेकिन उनसे शादी कभी नहीं करते और इस घर को कभी भी वंश नहीं मिलता। इस छोटी सी जिंदगी में तूने बहुत बड़ी परीक्षा ले ली भगवान, अब और परीक्षा मत ले। मैं एक इंसान हूँ तेरी तरह भगवान, नहीं हूँ मैं तुझसे अपनी उम्र बढ़ाने की मांग नहीं कर रही हूँ, वैसे बस थोड़ी सी जिंदगी की भीख दे दे भगवान, ताकि मैं इस घर के वंश को देख सकूँ, गले लगा सकूँ और मेरी तपस्या सफल हो जाए। भगवान कैसे पता कि तोरा के कैंसर हो? कैंसर मुझे नहीं तो छुपावे की कोशिश मत करा, सच सच बताओ तोरा के हमार के लिया। बताओ किरण, बताओ अमरस। अपनी सुहागरात के दिन जब मैं सजते हुए अपने अरमानों को सजा रही थी, तब मेरी सहेली सोनिया का फोन आया। हाय सोनिया। बेटा मैं डॉक्टर मकवाना बोल रहा हूँ। ओ अंकल आप। बेटी मैं तुम्हारे पापा को फोन लगा रहा था पर Not reachable आ रहा था। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रहा पर मैं मजबूर हूँ बेटा। अंकल आप पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं, साफ साफ कहिए ना। बेटी तुम्हें यूटेराइन कैंसर है। वो भी
आखिरी स्टेज पर हम चाह के भी तुम्हें नहीं बचा सकते बेटी। अंकल, क्या मेरी इतनी जिंदगी बची है कि मैं माँ बन सकूं? इस जन्म में तो तुम माँ नहीं बन सकती। हेलो किरण बेटी। अंकल, मेरा एक काम मानोगे? हाँ बेटी बोलो। तो आप वचन दीजिए कि इस बीमारी के बारे में हम किसी को भी नहीं बोलेंगे, पापा को भी नहीं। बहुत अभागा बानी हम, बहुत अभागा बानी। भगवान हमरा प्यार के भर में रखी, भगवान इनकर सारा दुख हमके दे दी, भगवान इनकर सारा दर्द हमके दे दी, भगवान इनकर मौत भी। ऐसा मत कहिए, मत कहिए ऐसा। भगवान ने मुझे इस जन्म में सौभाग्य नहीं दिया पत्नी धर्म निभाने का, लेकिन मैं भगवान से विनती करती हूँ अगले जन्म में सौभाग्य जरूर दे दे, तन मन और लगन से आपकी सेवा कर सकूं। आपको मेरी कसम है, ये बात आप किसी को नहीं बोलेंगे। अगर चांदनी को पता चला तो उसे बहुत दुख होगा, वो माँ बनने वाली है ना। Bye.
गोर धैला ओकरे बाद सबके आशीर्वाद लेला आवा जा आवा ना जा माजी के पास सबके आशीर्वाद लेने हाँ। की चाहिए आज तो सारा घमंड चूर चूर हो गई। अरे तोरा लाख सरपले के बाद भी भगवान हमार मुंह उजियार के देना। हमार हलवाई खानदान का वारिस तोरा अरमान पर पानी फेरे खातिर। खाली अरमाने पे पानी फेरे ना माजी, एकरा छाती पे किल्ला गाड़े खातिर। हे माई मुंह तो देख, बुझाता कि विपत पड़ल बा। विपत तो पड़बे ना करी बिटिया। अरे एकर हर जोन हो गई और हमार हमार जीत जवन हो गई। अरे माई बहन लोग, अरे माई बहन लोग हमार मुंह का देखा था नहीं है। अरे वो पर जीवनी है जो दिन रात हमारा पतों के ताना मारत रहे। थूका लोग थूका करे मुंह पे। माई का करता तू? अरे वाह, आज माई के बात पर तो तोहरा मुंह से बोली निकल गई। अजय ये माई की इज्जत उतारत रहे तहिया मुंह में दही चामल रहे। देखा तू लोग ठीक नहीं खुकरत लोग। अरे तू लोग का पता नहीं कि ए माजी देखत का बानी ली लगाई करी खाई करा के ले जाई लगाई लगा दे। रवा जिनका मुंह में करी का पोतल चाहता नहीं, आज उनकरा चलते रावण मुंह जियार भइल बा। अम्मा जी एकरा चलते एकुल घातिन की चलते हमार मुंह जियार भइल बा। अरे पगला गल बड़ुका हो। ये गलत नहीं की अम्मा जी, ये तो बस गलत होके के नाटक कैली ताकि रावण बेटा दूसर ब्याह कर सके, हमरा से प्यार कर सके और ये खानदान के वंश मिले। हम तो आने के बकावा में आवा वाला नहीं की। औस तेकरा के हम करखा पोत के रहब, जैसे ही शर्म से पानी पानी होके मर जाए। अम्मा जी जे खुदे मरे वाला बारी ओकरा कम से कम मरे के बद्दुआ तो मत दी। अरे ये सब झूठ सच बोल के कौन नाटक फंदा रहो? हम झूठ नहीं की बोला था अम्मा जी, दीदी के कैंसर बा। काकर कैंसर? हाँ माई, और अभी बस कुछ दिन के मेहमान बाट। नहीं क्यों हो सका माई, कुछ नहीं क्यों हो सका।
हम डॉक्टर से बात कर ले बानी। अब इनके बचावल मुश्किल बा भाई। अभी अगर इनका खातिर कुछ कर सकता रहो तो इनके खुश रखा लो, खुश रखा लो इनके। अपने को बनाया लगे ऐसन समय के खेला साथ में मेरा के रहते लक्ष्मी हो बंधन की तोड़ के कबहू न जई है बहु हमनी के छोड़ के कबहू न जई है बहु हमनी के छोड़ के कबहू न जई है बहु रोक देती वक्त के धारा।
कंधे पर ढोया तुझको पापा। कंधा यह तोड़ के कभी भी न जाना बेटी, पापा को छोड़ के कभी भी न जाना बेटी। पापा पापा अब ऐसे रो रही हो जैसे मैं कल ही मरने वाली हूँ। Just chill, shut up, मैं तो सालों साल जीऊंगी। मेरी अच्छी बेटी। गंदे पापा। मेरी प्यारी बेटी। झूठे पापा। मेरी सुंदर बेटी। टकले पापा। पापा। बेटी। हम ना सुते, ओकनी के जहर देके सुते। गिरधारी यादव के घर के अगर मरघट ना बनवनी ना तो हमारा ना टेंगड़ा यादव ना टेंगड़ा यादव। अरे चुप करा। अरे तोहर विनाश काले विपरीत बुद्धि को लगा के मार दे। चुप। अरे अभाई नू घर में ना दवा खाने बिया हर केहू ओकरा आगे पीछे घूम रहल बा। कुछ दिन बीत जाएगा सब खुला हो जाई, ओकरा बाद हम मौका मिलते ही विनाश कर देव, वंश के नाश कर देव। मैडम 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 आपके पति ब्लड लेने के लिए बाहर गए, ये दवाई आप मेडिकल स्टोर से ले आइए। कहाँ बारे के कहा बा? देखा ठीक से, आज अगर मिल गई ना तो निराहुआ के वंश का अंत यही अस्पताल में हुई। अरे कहाँ गए रे, खोजा ठीक से, कहाँ गए लू थाना लौकत नहीं है। आज तू बच के कहाँ जाइबू? टटुआ उड़ा दे रे। Yeah!
बुलावे ना हसावे अगले फिल्म में, तब तक चाचा बाय बाय। जाने क्या जादू किया अब मोरा झूमे जिया, जाने क्या जादू किया अब मोरा झूमे जिया, दिल बोल पिया 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 पिया, दिलावा का बात बड़ा ढेर दिन पे कहलू, दिलावा का बात बड़ा ढेर दिन पे कहलू, बतावा जान, बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू, बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू, बतावा जान कौना।